हॉबीज हैं वो ऐसी होती हैं। मॉस्कस की पर्सनैलिटी को चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक होता है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोई चीज़ इकट्ठी करने का शौक़ है, जैसे कि किसी को डाक टिकट इकट्ठे करने की शौक़ होते थे ना, आज तो आजकल डाक टिकटें का ट्रेंड नहीं रहा, या फिर किसी को पुरानी करेंसी, खास तरह के कॉइन्स। तो मॉस्कस पर्सनैलिटी के बंदे को, पर्सन को, बच्चे को, अगर हॉबीज़ में ही आप ये देखते हो कि वो बोलता है मुझे कलेक्शन का बहुत शौक़ है किसी चीज़ की, तो आपके माइंड में इसको ज़रूर रखिएगा मॉस्कस को। ख़ास तौर पर ना जेम्स जो होते हैं ना, स्टोन्स होते हैं जेम्स, उसकी कलेक्शन का बहुत शौक होता है मॉस्कस को। एम्बिशियस पर्सनैलिटी होती है, तो एम्बिशियस पर्सनैलिटी को हम कैसा एम्बिशन मान सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि नक्स वोमिका जो है वो भी बहुत एम्बिशियस पर्सनैलिटी है, ठीक है। सल्फर भी एम्बिशियस है। बहुत सारी हमारी मटेरिया मेडिका में दवाइयां हैं जो एम्बिशियस के अंतर्गत लिखी हैं। तो जो मॉस्कस है इसका एम्बिशन कैसा है, नक्स वोमिका का एम्बिशन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट करनी सीखनी पड़ेंगी। अब नक्स की बात आ गई है तो मैं आपको नक्स के साथ इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, नक्स वोमिका जो पर्सनैलिटी है, ही इज़ ए वेरी गुड ओपनर। नक्स वोमिका इज़ ए वेरी गुड ओपनर। उसे प्लीज़ किसी का माइक उसको म्यूट कर लें, अनम्यूट है। नीचे सारे ही कर दो इकट्ठे। मैं अपनी तरफ से कर दूँ। अपनी तरफ से कर दो ना, सभी पे मोर से होता है। नहीं म्यूट होगा ना, लिखा म्यूट, म्यूट ऑल कर दो बस। तो मैं अभी खुद तो नहीं म्यूट हो गया? हो गए, मेरी आवाज तो आ रही है ना भाई? आप नहीं हो गए। चलो, नक्स वोमिका का पेशेंट जो होता है वो एम्बिशियस होता है किसी चीज को शुरू करने में, ठीक है। मैं भी म्यूट हो गया फिर भैया, मैं अनम्यूट करता हूँ ना तो फिर सभी हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपने अपने ना माइक म्यूट ही रखो, फिर डिस्टर्बेंस होती है। नक्स वोमिका का पेशेंट जो है वो एम्बिशियस होता है ओपनिंग के लिए। किसी भी कार्य को शुरू तो बहुत अच्छे करता है, लेकिन वो गुड फिनिशर नहीं होता। वो जॉब को, काम को, एम्बिशन को कई बार पूरी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, ही इज़ ए गुड ओपनर, ही इज़ नॉट ए गुड फिनिशर एज कम्पेयर टू महेंद्र सिंह धोनी। इसी तरह से जो मस्कस है, मस्कस के ऊपर आते हैं, मस्कस का पेशेंट इस चीज़ के प्रति एम्बिशियस होता है जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती उसको पाने के लिए वो एम्बिशियस होता है। लाइफ में हर चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको हम पा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड जो है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो फैंटेसीज हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं, कोई लेडी, मेरे पास एक केस था, तो वो लेडी किसी के अफेयर में थी, लेकिन वो जो अफेयर था वो इस तरह का अफेयर था कि वो मैरिड था लड़का ऑलरेडी, उसके बावजूद भी, उसको उस चीज़ को जानने के बावजूद भी वो उसके प्रति इतनी ज़्यादा आकर्षित थी, इतनी ज़्यादा भाग रही थी। अब ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास तीन रेमेडीज आती हैं। इग्निशिया आती है, नेट्रम्योर आती है और मस्कस आती है। अब इनको डिफरेंशिएट हमने करना सीख लेना है, बहुत आसान है। नेट्रम्योर में इस तरह का असंभव चीज़ को पाने की इच्छा होती है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक रिक्शा वाले के साथ किसी अमीर लड़की का अफेयर हो जाना, ये जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती चीज़ें, उसको पाने की इच्छा नेट्रम्यूर में रहती है। इग्निशिया में उस चीज़ को पाने की इच्छा रहती है जो चीज़ दूसरा आपको स्वीकार नहीं करता, वन साइडेड, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मॉस्कस में
उस चीज़ को पाने की इच्छा है जो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने जो लोग राजस्थान में रहते हैं, गर्मियों के मौसम में आप रास्ते पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी के बहुत आगे आपको दिखाई देता है कि पानी है, अब बस अभी आने वाला ही है, सामने दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस लेवल पर पहुंचती है वो पानी और पीछे चला जाता है, वो पानी और पीछे चला जाता है, और ये गाड़ी चलाने वाले की एक तृष्णा बनी रहती है कि वो चीज़ है लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो जी, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जो सिर्फ आपका भ्रम है कि मुझे वो दिखाई पड़ती है और मुझे वो चीज़ लेनी है। अब मॉस्कस जो है ये हिरन है, रामायण पर आते हैं, भगवान राम और सीता बैठे हैं और हिरन आता है, सोने का हिरन। वहाँ मॉस्कस और बढ़िया हो गया, हमारा मॉस्कस मांस का है, वहाँ सोने का हिरन है, और माँ सीता भी जानती है कि सोने का हिरन नहीं होता, फिर भी एक तृष्णा जागृत होती है कि मुझे वो हिरन लेना है, और भगवान राम उसके पीछे जाते हैं और वहाँ से सारी स्टोरी टर्न हो जाती है। दिस इज द थीम ऑफ मॉस्कस कि मुझे वो चीज़ लेनी है जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और वो चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। तो अब आपने इसको डीकोड करना है, मैं आपको सिर्फ एक थॉट की प्रोसेस दे रहा हूँ। मैंने अपने क्लिनिक पर जितनी भी मेडिसन्स हमने डिटेल में स्टडी की हैं, जो ऑलरेडी जो कन्वेंशनल मटेरियल मेडिकल